एक विधायक जी हैं जिनके पास गाड़ी में तेल भरवाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन वो खुद को बाहुबली बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल की। दरअसल गोपाल मंडल अक्सर ही अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। और एक बार फिर से एक बैठक के दौरान उन्होंने कई इस तरह की विवादित बातें कह डाली है। क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल, आप पहले उनसे। और एक बात, काम जो हम करवाएंगे विद्यालय का, इंजीनियर भेज के उसका एस्टिमेट दे जाते हैं। इन्हें की जैसे तैसे प्रिंसिपल साहब और सुरेंद्र बाबू खर्च हुआ 5 लाख, दिखा दिया 3 लाख, 2 लाख मांग लिया। सबका चाह यही रहता, बोल दिए इसे सुरेंद्र वैसा है नहीं, अगर ऐसा करते सबको मिला के करते। बतवा है ये काम जो चलेगा इंजीनियर से एस्टिमेट बनवा के, पुअर एस्टिमेट नहीं, ताकि सब खुशी हो जाए उसमें। एस्टिमेट काला होना चाहिए, काला नहीं मतलब क्या कहता है उसको, रिच एस्टिमेट। और उसका मॉनिटरिंग पूरे विधानसभा का 2800 स्कूल का हमारे विधायक प्रतिनिधि तिपुरा जी निगरानी करेंगे। मोटरसाइकिल से दौड़ते रहेगा, समय आने का मोटरसाइकिल में तेलवा भरा दीजिएगा, दौड़ दौड़ के काम करेगा, बैठे बैठे इसका भी पेट फेंक। इनके पिताजी इनको बहुत मानते थे, उनके भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाजपा में हम भी थे, भाजपा के लोग वही थे, बहुत मानते थे। राणा जी को बहुत परेशान किया, दिल्ली हटा देना, दिल्ली से ये करना वो करना, हमने करते हैं। किसी डीलर को तबाह नहीं करते, किसी को परेशानी में डालते हैं, और भुका देता है माना पालन करने लगते हैं, ये तो हम करते हैं। इसलिए आप लोगों को नहीं करेंगे, आप लोग विद्वान आदमी हैं, आपको नाम के पात्र हैं, बच्चे को शिक्षा देता है, माता पिता के बाद तो आप ही सब कुछ हैं, चाहिएगा संस्कार लाइएगा, चाहिए तक कुछ संस्कार ही बना दीजिएगा। तो बहुत समय नहीं लेते हुए हमारे संयोजक सुरेंद्र बाबू के कथनानुसार हम लोग दोनों विचार करके बैठक बुलाना चाहिए, और प्रबंध समिति का बैठक को आप लिख लीजिए, लेकिन घोषणा करने के लिए अपने स्कूल में, हम भी तो स्कूल देखें, यह स्कूल कहाँ है। आइए, उस दिन छात्र को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे शिवांशु जी ये हमारा समय लिए प्रबंध समिति की बैठक, हम बोलती लेकिन इतना बिजी रहते हैं, उनके काम कीजिए, कर लीजिए 10 कथ बार हम करते, तो प्रयास कीजिए बुलाने का, नहीं गए सही बात है, मान लीजिए नहीं गए, दूसरे दिन फिर समय मिला चले गए, हम घूमते रहते हैं, लेकिन जा रहे आपके निकट पकड़ा गया मंटू पर मुख्य, इसी में छूट जाए विधानसभा के नवगछिया प्रखंड के उप प्रमुख मंटू सिंह प्यार से बोलते हैं, मन के स्वर कौन बोलता नहीं बोलते, जैसे आपको कहते हैं मुख्यमंत्री बोलते हैं उनको, गोपाल सब गोपाल मंडल जी बोलते हैं, लेकिन नाम है दूसरा, जिस नाम से कोई जानता है, अगर गोपाल मंडल नाम रहता चुनावे नहीं जीतते, अरे गौ का पालन करने वाला गोपाल, कहानी तो बदल ही देते हैं। बैठे हुए यहाँ पर हमारे खगड़िया भाजी भौजी के बनाने वाले डायरेक्टर कुणाल सिंह बैकाउंट, ये खगड़िया वाले भौजी का नवोच्छा हम देखे होंगे, कृष्णा पाटिल का बढ़िया चला, इन्होंने बनाया था, हम भी उसमें थे, यहाँ पर बैठे हुए धरारा के ये हमारे विजय मुखिया जी मकनपुर पंचायत के होते हैं, और ये डॉक्टर दीपक, इनके बारे में थोड़ा बोल देते हैं, हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे पहले, और की बार दूसरे को बना दिया गया, मेरे गैर जानकारी, हम जानते तो नहीं बन रहे थे, खैर कोई बात नहीं, हमको मिले हैं संगठन कैसे हमारे जिला अध्यक्ष चलाते नहीं चलाते हैं, इस पर अंकुश डाल सकते हैं लेकिन प्रतिरोध नहीं कर सकते, संगठन संगठन ही सब कुछ है, संगठन आपके विरोध में आ गया आपका यही समझिए, रीढ़ टूट गया, जैसे रेंगता हुआ सब भागता है, रीढ़ को टूट जाने के बाद पीठ पर गया हथियार से लक्ष्य से मारते नहीं भूल पाता, उसी तरह कार्यकर्ता हमारा और पार्टी हमारी रीढ़। सर बैठक तो सुन लिया, आप तो सुन ही रहे थे जी सर, क्या सुन रहे? अरे उसी में हमारा ये है, ये ऐतिहासिक बैठक नहीं बोली, प्रबंध समिति बैठ के नहीं होता है, मैं 28 विद्यालय को बुला के, 14 पहले से विद्यालय था उसको जो बोला जाए, और 14 उत्क्रमित विद्यालय जो मैं ही करवाया था, उत्क्रमित हम जहाँ मध्य विद्यालय मांग करता था उसको लिख पे मैं सरकार को भेज दिया, 28 विद्यालय का प्रबंध समिति का बैठक
बुला के बनावे और मेरे निगरानी में हमको भी बुला ले, ऐसे बना ले दस्तखत करके ले अपने अपने स्कूल में हमको इसी। और कोष जो रखा हुआ है विकास कोष, मतलब कहने का मतलब कुछ रुपया रखा हुआ है, वो खर्च रंग रोगन जहाँ कुछ टूटा, जैसे सीढ़ी से उतर पुराना सीढ़ी, इस पर सुरेंद्र और ध्यान नहीं दिए, इसका भी रंग पोता होना चाहिए, इसी सब का बैठक। और किस तरह से विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, कई विद्यालयों में हम तो बोल दिए आप सुन ही रहे थे, शिक्षकों की कमी के बारे में बोले, एकदम एक भी क्लास सफर नहीं करे, इसके लिए टीचर चाहिए। अगर कोई टीचर बैठे हुए जैसे मूल टीचर बोलता है या नीतीश कुमार का टीचर दिया हुआ, उनको क्लासे नहीं देता है, उनको भी क्लास दे, उनसे भी क्लास ले, स्कूल में बैठा ही रहता क्लास ही नहीं मिलता। कई शिक्षकों का अभी मांग भी है, हम लोग को स्थायीकरण दिया, छात्र वेतन मान दिया जाए, इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाले हुआ है। जो टीचर सब है कौन, जब तक मन होगा सरकार का रखेगा, नहीं तो हटा देगा, लेकिन हटने वाला हटाने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे उनका वेतन बढ़ाइए रहा है, कितना में बहाल हुआ था नए शिक्षक से पूछ लें कितना मिल रहा है, वो भी देख लें, लोग बगवाते रहता है। तो यहाँ पे एक मीटिंग हॉल का मांग किया गया, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? हम बोले जैसे कोष आता है हम साधारण नहीं देंगे, मतलब 30-40 लाख का यहाँ मीटिंग हॉल, ताकि जहाँ होगा देख के कटवाना पड़ेगा, तो DFO से आदेश लेके कटवा के उधर मीटिंग हॉल बनवा देंगे। तो एक मीटिंग हॉल अच्छा एकदम बढ़िया मीटिंग है ही नहीं नवगछा में, हम तो एस डी ओ साहब को भी बोलते हैं आप हमको जगह दीजिए, 1 करोड़ लगाएंगे मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल है नहीं। नौगछिया के इंटर स्तरीय हाई स्कूल में आयोजित प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ नीरज ने कहा कि कार्यकर्ता कहते हैं कि गोपाल मंडल का ही चलता है, गोपाल मंडल बाहुबली है तो किसका चलेगा। हाई स्कूल परिसर में मीटिंग हॉल निर्माण की बात पर श्री मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि जितना पैसा लगाकर मीटिंग हॉल बनवाया है बनवाइए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, सरकार का पैसा है इसलिए देते हैं, अन्यथा मेरे पास तो गाड़ी में तेल भरवाने तक का पैसा नहीं है। गोपाल मंडल ने कहा कि मीटिंग हॉल बनवाइएगा तो किसको किसको तेल लगाएगा। श्री मंडल ने कहा कि पिछले दिनों संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में मारवाड़ी धर्मशाला वालों ने एक भी पैसा नहीं लिया, जो अच्छी बात है। गोपाल मंडल ने शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि बढ़िया से पढ़ाइए पर आने से पहले खुद भी पढ़िए। विधायक ने कहा कि खुद भी ज्यादा मेहनत करके विधानसभा जाते हैं और तब बोलते हैं। विधायक ने कहा कि बच्चों के लिए माता पिता के बाद आप ही हैं, इसलिए आप उसे अच्छा संस्कार दीजिए। सभा के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों की बहाली संविदा के आधार पर की गई है और सरकार जब चाहेगी तब नौकरी को समाप्त कर देगी, लेकिन नीतीश सरकार ऐसा नहीं कर रही। शिक्षकों के वेतन को बढ़ाया नहीं जा रहा, उसे मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, पहले काफी कम पैसे मिलते थे और अब काफी ज्यादा मिल रहे हैं। विधायक ने कहा कि 28 विद्यालयों के संचालकों को बुलाकर मैंने बैठक की है, इन 28 विद्यालयों में से 14 ऐसे विद्यालय हैं जो उनके अनुशंसा से उत्क्रमित हुए हैं। इन विद्यालयों के विकास फंड में जो भी पैसे हैं वो पैसे विकास कार्य में खर्च हों, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फायदा मिल सके। मौके पर सभा की अध्यक्षता विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल कर रहे थे। स्वागत गान की प्रस्तुति संगीत शिक्षक ब्रजेश कुमार छाया ने किया। मौके पर प्राचार्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजकमल नौगछिया के पूर्व प्रखंड मुनकेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया विजय सिंह, त्रिपुरारी कुमार भारती, कन्हैया कुमार समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।